नमस्कार दोस्तों, एग्रिलपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज फलों को अन्न और किस नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला है, राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल और फलों का राजा किसे कहते हैं, जो कि आम को। ठीक है, कल्पतरु, स्वर्ग का पेड़, एडम्स फिग, केले को कहा जाता है। उष्ण जलवायु का सेब, अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब एवं शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन को कहा जाता है। इंडियन गुजबेरी, आंवला को कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। मैंगो स्टेम फलों की रानी लीची को कहा जाता है। कल्पवृक्ष फल नारियल को कहा जाता है। एंड पेय पदार्थों की रानी चाय को, मसालों वाली फसलों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। फूलों का राजा गुलाब एंड फूलों की रानी ग्लैडियोलस। दलहन फसलों का राजा चना को कहा जाता है। दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट को खजूर को सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फलदार पौधों में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें आम में जो होता है आंतरिक फलन, वो बोरान की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ, जिंक की कमी से होता है। आम में काला शीरा, जिसे ब्लैक टिप कहते हैं, वो SO2 या CO गैस की अधिकता एवं बोरान की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग बोरान की कमी से होता है। केले में वाटर को सोरबिटल के जमने या बर्फ के कारण से होता है। नींबू में 2.5 बैग कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से होता है। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू में मोटल लीफ जिंक की कमी से होता है। एवं आंवले में आंतरिक गलन बोरान की कमी से होता है। अंगूर में कैलिक्स एंड रोड कैल्शियम की कमी से होता है। अमरूद में ब्रॉन्जिंग जिंक की कमी से होता है। आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या रोग मृदा ताप संवहन द्वारा होता है। अनार में फलों का फटना बोरान की कमी से होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।